सखियों को मैया यशोदा ने बुलवाया और उनसे कहने लगी कि सखियों, लाला को नजर लग गई है, तुम यहां की नजर उतारो, क्योंकि जब तक नजर नहीं उतारोगी तो लाला चुप नहीं हो गए। सखियां बोली, देखो मैया, बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम अभी लाला की नजर उतारते हैं। बोली ललिता और विशाखा, यशोदा बात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा, मैया बात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा, यशोदा बात सुनो ना। तो ब्रजमंडल की, गोकुल की जितनी भी गोपियां हैं, उन्होंने जब लाला को देखा तो उनमें से एक जो गोपी है, उस गोपी ने उस नृत्य करते हुए गोविंद में परमात्मा का दर्शन किया और देखती ही रही, सीधे दौड़ लगाई जहां अन्य गोपियों की भीड़ है। ऐसी दौड़ लगाई, श्वास पर श्वास चल रही थी, तो गोपियों ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी प्रसन्न नजर क्यों आ रही हो?
उस गोपी ने कहा, बात ऐसी है कि मैं बताऊंगी तो तुमको भी बहुत खुशी होगी। गोपी बोली, बताओ ना, क्या इतनी खुश आज क्यों नजर आ रही है? किस रण सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम गौधुल धूसर तांग नत्यति वेदांत सिद्धां। गोपी कहती है कि गोपियों, आज मैंने एक विचित्र आश्चर्य देखा। बोले, क्या आश्चर्य देखा? बोले, गौधुल धूसर तांग नत्यति वेदांत सिद्धांत। गौधूल से धूसरित अंग वाला जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है, वह मैया यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहा है। गोपियों ने जैसे ही सुना तो बोली कि हमको भी लाला का दर्शन होना चाहिए। लेकिन दर्शन होवे कैसे? मैया यशोदा घर से तो बाहर लाला को निकालती नहीं है। ऐसा कोई उपाय करो जिससे लाला का दर्शन हो। तो गोपियों ने आज क्या किया, सासू मां तो उनकी चली गई मंदिर में दर्शन करने के लिए सुबह सुबह, और समस्त गोपियों ने जो अपनी दही की मटकी थी, माखन की मटकी थी, अपने आप तोड़ दी। सब मटकियों को फोड़ दिया गोपियों ने। अब उनकी सासू मां जैसे ही मंदिरों से लौट करके आई, आकर के पूछा, बहुओ, ये माखन की मटकी किसने फोड़ी? गोपियां बोली, क्या बताएं मां जी, नंद के लाला आए और सबरी मटकी ने फोड़ के भाग गए। सासू मां बोली, देखो बहुओ, अगर हम उलानो देवे जाएंगी मैया यशोदा के यहां तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसो करो, हमारी तरफ से आप उलानो देके आओ। यही गोपियां चाहती थी कि इस बहाने से लाला का दर्शन तो होगा। अब तो गोपियों के झुंड सीधे मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच गए। मैया यशोदा ने देखा, ये सवेरे सवेरे से नई नई बहुएं मेरे घर में, आज अचानक कैसे? सब गोपियां अंदर घुसी चली गई। मैया यशोदा बोली, रुको रुको, बताओ ना, क्या बात है, क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, पहले तो ये बताओ आपके लाला कहां हैं? मैया बोली, लाला तो सो रहा, आज कछु ऊधम कर दियो का मेरे लाला ने? बोले, हां, लाला तो पलना में सोते सोते सब सुन रहे हैं। सोच में लगे, आज तो ये कछु गड़बड़ करेंगी गोपी। पलना में से उठे। अब मैया यशोदा जब लाला को सुलाती थी तो आंखों में काजल लगाती थी, और सुबह सुबह जब लाला उठते थे तो उनका ये नियम था कि उठते ही आंखों को ऐसे ऐसे करते तो जो काजल लगा होता था वो काजल गालों पे आ जाता था और आंख ऐसे लगती जगन्नाथ भगवान की तरह। लाला आए और आए के मैया यशोदा के लहंगा पकड़ के ठाड़े हैं गए। मैया बोली, आज कछु हमारे लाला ने ऊधम कर दियो बहुओ। अब गोपियों ने सोचा कि उल्हाना ऐसा देना चाहिए जो लंबा चौड़ा हो, क्योंकि जितनी देर हम उल्हाना देंगी उतनी ही देर हमको लाला का दर्शन होगा। गोपियों ने उल्हाना दिया कि वत्सान मुंचल क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वाद तद धद पे कल्पिते स्ते ययो वै मरकान भोक्षण विभजति सचे नाति भाण्डम भिनत्ति द्रिव्यालाभे सग्रह कुपितो यासु पक्रोश भोकान। उलाना। गोपियां कहती हैं कि मैया, आपके ये जो लाला है ना, हमारे
पछड़न को खोल के भाग जा में पहलो उलानो। मैया बोली गोपियो अगर लाला बछड़न को खोल के भाग जामे तो तुम्हारो काम ही तो करें। बोले नहीं क्वचित समय जिस समय दूध निकालने का होता है उससे आधे घंटे पहले बछड़न को खोल जामे। अब जितनो भी दूध पूरे बछड़ा पी जामे, हमारे ताई एक छटाक भी दूध नहीं बचे। मैया बोली देखो गोपी अभी लाला छोटो सो है ना, तुम याकू थोड़ा डांट दियो करो, ये बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेगो। गोपियां बोली मैया आपको लगे ये छोटे से, जब ये बछड़न को खोल के भागे तो मोछन पे ऐसे ऐसे हाथ घुमावे कि हम भी नंद के लालाएं कोई पकड़ के दिखा दो। अभी केवल 3 बरस के हैं लाला और मोछन पे ऐसे हाथ घुमावे। मैया बोली देखो गोपियों तुम ऐसो करे करो। बोले सुनो मैया अगर ये बछड़न को खोले तो हमको बिल्कुल भी बुरो नहीं लगे, लेकिन कम से कम ये हमारे माखन को तो ना चुरायो करे। मैया बोली ये माखन चुरावे? बोले हाँ, और तो और ये अकेले नहीं हो मैं, इनको पूरा मंडल है मंडल, और उनकी मंडली को नाम पता का है? बाल गोपाल विद्या चौर्य प्रचार मंडल। और एक एक मंडली और नहीं है, 3-3 मंडली चले मैया संघ में, एक है ग्वाल मंडली और दूसरी है बंदर मंडली। मैया बोली देखो गोपियो तुम एक काम करे करो, तुम राजीते लाला को माखन दे दे करो, जब राजीते दे दोगी तो ये जबरदस्ती या चोरी करके क्यों ले बेगो। गोपियां बोली मैया ये काम भी हम करके देख चुकी हैं, हमने जब लाला से कही लाला तुम्हें प्रेम से जितनो माखन खानो होए खा लियो हमारे हाथ से, लेकिन पतो है तुम्हारे लाला काके में, तुम्हारे लाला कह में कि गोपियो हमको तो चोरी को ही माखन मीठो लगे, राजी को माखन मीठो नहीं लगे। मैया यशोदा को थोड़ा क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के गोपियों से बोली गोपियों अभी हमारे लाला की उम्र कितनी है? केवल 3 साल। कितनो माखन खाते हो? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। अब तुम 50 ग्राम माखन के लिए हमारे घर उलानो देवे आई हो? अरे मेरे घर में 1000 मटकी भरी पड़ी है, जितनो चाहिए ले जाओ। गोपियां बोली मैया आप जो समझ रही हैं बात वह नहीं है, अगर ये चोरी करके भी माखन खामे तो हमें बिल्कुल भी बुरो नहीं लगे, पर ये माखन खामे माखन खाए के मटकी ने भी फोड़ दे में ये हमें अच्छो नहीं लगे। कि मरकान भोक्षण विभजति सचे नाति भांडम भिनति, जो हमारी सासू माँ के जमाने की मटकी हैं उनको फोड़ दे में। मैया ने लाला से पूछी चौरे लाला ये गोपी सही कह रही है? लाला बोलो मैया तेरी सौगंध ये गोपी झूठ बोले, मोकू तो ये भी नहीं पता कि या गोपी को घर कौन सी गली में है, ये झूठ बोले। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियां बोली मैया ऐसे ऐसे उदम करे तुम्हारा लाला। भैया यशोदा बोली देखो गोपियों तुम ऐसो करे करो, अपनी माखन की मटकी ने ऊंचे छींके पर टांग दे करो, अभी लाला छोटो है ना हाथ नहीं आएंगी। गोपियां बोली मैया हम ये काम भी करके देख चुकी हैं, जब हमने अपनी माखन की मटकियों को ऊंचे छींके पर टांगा तो हस्ताग्रहे रची अति विधि पीठ बोलू खला दे। तो मालूम है तुम्हारे लाला ने कहा करो पहले उखल रखे, बा के ऊपर 2 सखा चढ़ाए और बा के ऊपर स्वयं चढ़ गए और बटकी में से माखन आप भी खाते जाएं, नीचे माखन लुटाते भी जाएं और ऊपर बंदरन को भी खिलाते जाएं।
मैया बोली, देखो गोपियों, तुम मटकी ने और ऊंचे पे टांगे करो। गोपियां बोली, मैया एक दिना तो हमने ऐसो करो कि अपनी माखन की मटकी और पीपल के पेड़ ते बांध दी बहुत ऊंची, कि अब देखे कहां से आमे और कहां से खामे। तो मालूम है मैया तुम्हारे लाला ने कहा करो? बोले कहा करो? बोले 20 फुट को लंबो बांस लियो और बांस लेके नीचे से मटकी में ऐसे कर दियो, छेद है गयो और ओक बना के गटागट गटागट पी गई। मैया बोली, अच्छो इन 100 लाला ऐसे ऐसे उदम करे? बोले हाँ मैया, तुम ऐसो करो करो गोपियो, तुम अपनी माखन की मटकी ने अंधेरी कोठरी में धर दे करो। अंधेरी कोठरी में जब माखन की मटकी ने धर दे होगी तो लाला छोटो है ना, हवा से डर लगे, बिल्कुल भी नहीं घुसेगो। गोपियां बोली, मैया पूछो ही मत, ये काम भी हम करके देख चुकी हैं। जब हमने